नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। माओवादी केन्द्र के केंद्रीय कमिटी बैठक द्वारा 15 जने पदाधिकारी संख्या बनावे के प्रस्ताव, अध्यक्ष दहाल के प्रतिवेदन भी पेश। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग करत नेपाल बार एसोसिएशन के आंदोलन जारी, न्यायालय में बिचौलिया के रजगज भइल दावी। सरकार लक्ष्य मुताबिक विकास खर्च करे ना सकला से राजस्व संकलन में असर, कुल लक्ष्य के 10% कम ही राजस्व संकलन। कंगो में भइल आत्मघाती बम विस्फोट में पर के 6 जने के मृत्यु, 13 जने घायल। आ प्रधानमंत्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में एपीएफ विजयी, प्रदेश 1-7 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र के केन्द्रीय कमिटी बैठक 15 जने पदाधिकारी संख्या बनाओ के प्रस्ताव कैले बा। आज पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डांडा में बैठल माओवादी केन्द्र के केन्द्रीय कमिटी बैठक से आज से शुरू होखे लागल 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन में पार्टी के पदाधिकारी संख्या 15 जने बनाओ के प्रस्ताव कैले खा, जेमे 1 जने अध्यक्ष, 1 जने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 जने उपाध्यक्ष, 1 जने महासचिव, 2 जने उपमहासचिव, 3 जने सचिव आ 1 जने कोषाध्यक्ष रहेको प्रस्ताव कैल। प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी देने। प्रवक्ता महरा केन्द्रीय कमिटी के फॉर्मेशन क्लस्टर मुताबिक ही करे के निर्णय कैल, जानकारी कराने। केन्द्रीय कमिटी को हक में अहिले को फॉर्मेशन क्लस्टर अनुसार ही करने, हमने जो पहले निर्धारण गरेका छौं त्यो क्लस्टर अनुसार ही करने, र 15 जना पदाधिकारी बनाने, 1 जना अध्यक्ष, 6 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष। केन्द्र कमिटी बैठक में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक प्रस्ताव पेश कैले बानी। प्रस्ताव पेश भइला पर भी सब केन्द्रीय सदस्य के वितरण ना कैला के कारण ओहो ऊपर छलफल महाधिवेशन में करे के प्रवक्ता महरा बताने। केन्द्रीय कमिटी संख्या 299 जने के से ज्यादा होखे के जनावत केन्द्रीय कमिटी के तरफ से पैनल प्रस्तुत होखे के बताने, सहमति होके ना सकी त निर्वाचन में जाए के प्रवक्ता महरा जानकारी देने। चयन प्रक्रिया के हुन्छ भने अब केन्द्रीय कमिटी का तरफबाट एउटा प्यानल बस्नु होला, त्यसमा असहमत भएका साथीले राख्न सक्नुहुन्छ, सहमति भयो भने निर्वाचन जान्छ, सहमति भएन भने जान्छ। माओवादी केन्द्र सब राजनीतिक दल के महाधिवेशन में निमंत्रणा कैल जनौले बाटे। कोविड-19 के कारण देखावत विदेशी मेहमान केहू के नइखे बोलाउल गइल। आज से शुरू हो रहल महाधिवेशन 3 दिन तक चले के तय कैला पर भी 5 दिन तक जा सके के प्रवक्ता महरा बताने। माओवादी केन्द्र के 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन अब के कुछ देर में काठमांडू स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान के भवन में उद्घाटन हो रहा बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के पहिलका राष्ट्रीय सम्मेलन महाधिवेशन में परिणत कैल के बाद काठमांडू के सुरक्षा रणनीति परिवर्तन कैल गई बा। इससे पहले तैयार कैल गई सुरक्षा योजना में कुछ सुरक्षाकर्मी थप कैल गई बाटे त मोबाइल गस्ती सहित सादा पोशाक में समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन कैल गई बा। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के मुताबिक इससे पहले प्रहरी उपरीक्षक के नेतृत्व में 364 प्रहरी सम्मेलन के सुरक्षा में परिचालन करे के सुरक्षा रणनीति बनाल गए रहे, ओकरा के परिवर्तन करके करीब 450 जने के हरहारी में सुरक्षाकर्मी परिचालन कैल गई बा। भीड़भाड़ कम होखे वाला हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्थापन समेत मिलाओल गई बाटे। अन्य सुरक्षा निकाय तथा आयोजक से समन्वय करके चुस्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाओल गई बा। प्रहरी के मुताबिक महाधिवेशन में करीब 4000 से 5000 आदमी उपस्थित होके के जनाओल गई बा। प्रतिनिधि 1533 और अन्य स्वस्फूर्त आव के कार्यकर्ता के भी रुकावट ना भइला से उसब भी शामिल हो सके के जनाओल गई बा। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करत नेपाल बार एसोसिएशन अपन आंदोलन जारी रखले बा। आज भी सर्वोच्च अदालत परिसर में बार प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग करत आंदोलन कैले खा। आंदोलन के बाद संचारकर्मी सबसे बोलत बार के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ, स्वतंत्र आ स्वच्छ न्यायपालिका मानवाधिकार के मेरुदंड भइला से न्यायपालिका भीतर विकृति विसंगति ना होके के वहाँ के बताने। वहाँ के न्यायपालिका भीतर विकृति विसंगति और
अनियमितता, भ्रष्टाचार आ बिचौलिया सबके प्रवेश मिलल और ये प्रभाव बढ़ते गैला के कारण न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार भइल समेत बताउने अध्यक्ष श्रेष्ठ न्यायपालिका के स्वतंत्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, जवाबदेहिता कायम करे खातिर और न्याय में सबके समान पहुँच सुनिश्चित करे के खातिर न्यायपालिका भीतर के अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया अंत करे के खातिर आवश्यक कदम आगे बढ़ाओ खातिर ध्यान आकर्षण कराने। मानव अधिकार को मेरुदंड हो न्यायपालिका भित्र विकृति, विसंगति तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनकै अध्यक्ष पूर्णमान साक्य, प्रधान न्यायाधीश जबरा परिवार के सम्पत्ति शुद्धिकरण के खातिर नेता सब सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालय में जाए के तैयारी रहल बताउने। वहाँ के सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग से छानबीन करे खातिर बार भी सहयोग करे के बताउने। सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगबाट चाहिँ सम्पत्तिको छानबिन गर्नलाई उहाँहरूले माग पत्र लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा नयाँ एउटा उहाँबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट पनि यसको छानबिन हुनु जरुरी छ भन्ने हामी सबैलाई पनि लागेको हो र हामीबाट उहाँहरूले उचालेको कदमलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा के माग करत नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन के पदाधिकारी सब सहित कानून व्यवसायी सब कार्तिक 14 गते से हाथ में करिया पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करते आइल बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पांचवा बेर प्रधानमंत्री बनला के बाद पड़ोसी देश भारत के पहल का 3 दिने भ्रमण करे लागल बानी। प्रधानमंत्री देउवा के भारत सरकार गुजरात के गांधीनगर में पूछ 26 गते से 28 गते तक ले होखे वाला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेवे खातिर न्यौता पठौला के बाद सरकार प्रधानमंत्री देउवा के भारत भ्रमण संबंधी तैयारी शुरू कैलक। भारतीय प्रधानमंत्री के न्यौता प्राप्त भइल बाटे। उहे मुताबिक भ्रमण के आवश्यक गृह कार्य हो रहा प्रधानमंत्री के स्वकीय सचिव भानु देउवा जानकारी देने। प्रधानमंत्री देउवा के भ्रमण योजना के पूर्ण स्वरूप तैयार होके ना सकलकत भारत भ्रमण के समय होखे वाला भेटघाट के विस्तृत कार्यतालिका तैयार ना भइल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पांचवा बेर प्रधानमंत्री भइला बाद पड़ोसी देश भारत के पहल का 3 दिने भ्रमण करे लागल बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। गृहमंत्री बालकृष्ण खार केन्द्रीय सुरक्षा समिति के बैठक बोलाने बानी। सिंहदरबार में बोलाओल गई बैठक में आंतरिक सुरक्षा परिस्थिति बारे छलफल होके के गृह मंत्रालय जनौले बा। गृहमंत्री के अध्यक्षता में बैठे वाला बैठक अब के कुछ देर में शुरू होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के सचिव टेकनारायण पांडे, नेपाली सेना के एक जने रथी, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी के महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के मुख्य, मंत्रालय के शांति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख लगायत के सहभागी होगी। बैठक में देश के सुरक्षा के चुस्त बनाव के खातिर नया कार्य योजना तय करे के बताओल गई बा। राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस आज विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान तथा अधिकार के रक्षा के खातिर ई दिवस मनावल के शुरू कल गया। नेपाल में ज्येष्ठ नागरिक सब के खातिर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराव के घोषणा कल दिन के ही अवसर में हरेक बरस पूस 11 गते ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाव के नेपाल सरकार के निर्णय बमोजिम ई बरस से राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाव के शुरू कल गया। सभ्य नागरिक के पहचान, ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान कहे वाला नारा के साथ ज्येष्ठ नागरिक के हक, हित तथा अधिकार के संरक्षण और संवर्धन के खातिर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करके ई दिवस मनावल जा रहा बा। प्रथम राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078 के अवसर में शुभकामना संदेश देहत राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ज्येष्ठ नागरिक के निहित ज्ञान, सीप और अनुभव के पुस्तांतरण के खातिर अनुकूल परिस्थिति निर्माण करके सामूहिक प्रयास करे खातिर संवर्धन सब में आग्रह कैने। ऐसे प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा शुभकामना संदेश जारी करत ज्येष्ठ नागरिक समाज के अग्रज मात्र ना होके मार्गदर्शक व्यक्तित्व, प्रेरणा के स्रोत और गौरव के प्रतीक होके भैला से वास्तविकता के दृष्टिगत करके उस सब प्रति सम्मान करे पड़े के बताने। साथ ही वहाँ के ज्येष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य उपचार के खातिर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के विस्तार और प्रभावकारी बनाव खातिर निरंतर प्रयास करे के बताने। देशभर के मौसम में आज से आंशिक से सामान्य बदली होके के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। अभी देश में पश्चिमी वायु के प्रभाव रहला से
सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश में अभिन्न आंशिक से सामान्य बदली रहके बाकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग सब में आंशिक बदली रहके जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। दोपहर के बाद गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश और सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य पहाड़ी भूभाग में आंशिक से सामान्य बदली रहके बाकी भूभाग में आंशिक बदली रही। पहाड़ी भूभाग के एक दुगो स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल विभाग जनौले बा। वैसे ही उच्च पहाड़ी तथा हिमालय क्षेत्र के कुछ स्थान में हल्का हिमपात के संभावना बाटे। देश के उच्च पहाड़ी और हिमालय क्षेत्र के कुछ स्थान सब में हल्का हिमपात के संभावना रहल बाटे। त पहाड़ी भूभाग के एक दुगो स्थान में हल्का वर्षा के संभावना रहल और तराई के भूभाग सब में सवेरे के समय में कुहा लागे के साथे देशभर ठंडी बढ़े के क्रम में रहला से ठंडी से बचे के खातिर आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाव खातिर विभाग आग्रह कैले बा। अब आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा विकास खर्च करे ना सकला बाद राजस्व संकलन में भी असर देखा पड़े लागल बा। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के 5 महीना बीतला पर भी सरकार से उल्लेख्य खर्चा करे ना सकला बाद भ्याट संकलन में धक्का लागल बा। चालू वर्ष के शुरुआत से ही भ्याट संकलन में निरंतर गिरावट आ रहा आंतरिक राजस्व विभाग जनौले बा। भ्याट संकलन कम होके लागला बाद अर्थ मंत्रालय द्वारा अध्ययन शुरू कैल गेल बाटे। राजस्व विभाग द्वारा भ्याट कम संकलन होखे के पहिलका कारण में विकास खर्च ना होखल के राखल गेल बाटे। पिछला आर्थिक वर्ष 2077-78 में पूंजीगत शीर्षक में भुगतानी होखे वाला रकम के 6.5% रकम अग्रिम कटी करे वाला व्यवस्था कैल गेल रहे, लेकिन ई व्यवस्था के चालू वर्ष में संशोधन करके अग्रिम भ्याट कटी 3.25% बनावल गेल बा। ई व्यवस्था के असर भी भ्याट संकलन में देखल गेल बाटे। चालू वर्ष में सरकार से विकास खर्चा शीर्षक में 4.39 अरब विनियोजन कैल गेल बा, लेकिन 5 महीना में 29.45 करोड़ मात्र खर्चा भइल बाटे। चालू वर्ष के 5 महीना उड़ेला बाद भ्याट शीर्षक में 44.54 करोड़ संकलन भइल बा। चालू वर्ष के शुरुआती 4 महीना में लगातार राजस्व लक्ष्य पूरा हो रहा विभाग से अगहन महीना में लक्ष्य भेटाए नहीं के सकल। अगहन महीना में 28.57 करोड़ राजस्व संकलन के लक्ष्य लेहल विभाग से 27.62 करोड़ मात्र संकलन करेला सफल भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो में भइल आत्मघाती आक्रमण में परके 6 जने के मृत्यु भइल बा। कंगो में पूर्वी शहर बेनी में रहल एगो भीड़भाड़ युक्त रेस्टुरेंट में भइल आत्मघाती बम विस्फोट में परके 13 जने घायल भइल बीबीसी जनौले बा। क्रिसमस मना रहल क्रम में विस्फोटक पदार्थ सहित प्रवेश कैल एक व्यक्ति आत्मघाती विस्फोट करौला बाद उनका सहित अन्य 5 जने के मृत्यु भइल। हाँ, घटना के बेरिया रेस्टुरेंट में बाल बालिका स्थानीय अधिकारी सब रहे। प्रहरी द्वारा आत्मघाती बम विस्फोट करावे वाला व्यक्ति के रेस्टुरेंट भीतर प्रवेश करे से रोकले रहे, लेकिन वह व्यक्ति द्वारा प्रवेश द्वार में ही बम विस्फोट करावल समाचार में उल्लेख कैल गेल बा। विस्फोट के कारण रेस्टुरेंट पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त भइल बाटे। घटना के जिम्मेवारी केहू से ना लेहला पर भी कंगो के एलायंट डेमोक्रेटिक फोर्स द्वारा विस्फोट करावल हो सके के आशंका कैल गेल बा। घटना बाद कंगो में आपातकाल घोषणा कैल गेल बा। अब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि विभागीय टीम एपीएफ जीतले बा। फाइनल में रुबीना छेत्री के कप्तानी में रहल प्रदेश 1 के 7 विकेट से हराओत एपीएफ उपाधि जीते में सफल भइल। धनगढ़ी स्थित फपला मैदान में टॉस हार के बैटिंग के न्योता मिलल प्रदेश 1 से 20 ओवर में 6 विकेट गंवा के 67 रन बनौल रहे। खराब शुरुआत कैल प्रदेश 1 द्वारा मात्र 4 रन भइल बेरिया पहिलका विकेट गिरल रहे। ओकरा बाद ओकर स्कोर 29 रन भइल बेरिया दोसर विकेट गिरल रहे। प्रदेश 1 के शुरुआती बैटर बीच निमन समझदारी ना भइला से ओकर स्कोर 54 रन होला पर तेसरका विकेट गिरल रहे। ओकरा बाद प्रदेश 1 के रन 60 रन भइला पर 5 विकेट गिरल रहे। ओकरा खातिर काजल श्रेष्ठ 4 रन बनौली त शबनम राय 3 तथा अफसरी बेगम 11 तथा कप्तान रुबीना छेत्री सर्वाधिक 34 रन बनौली। ऐसे ही संगीता राय से 1 तथा निशान शाह 2 रन के योगदान देलक लोग। बॉलिंग में सीता राणा मगर 3 तथा रेखा रावल 2 विकेट लेलक लोग। जवाब में पीएफ 14 ओवर 2 बॉल में 3 विकेट गंवा के
लक्ष्य पूरा कैले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एकबेर। माओवादी केन्द्र के केन्द्रीय कमिटी बैठक द्वारा 15 जने पदाधिकारी संख्या बनाओ के प्रस्ताव, अध्यक्ष दहाल के प्रतिवेदन रिपेश। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजनामा मांग करत नेपाल बार एसोसिएशन के आंदोलन जारी, न्यायालय में बिचौलिया के रजगज भइल दावी। सरकार लक्ष्य मुताबिक विकास खर्च करे ना सकला से राजस्व संकलन में असर, कुल लक्ष्य के 10% कम ही राजस्व संकलन। कंगो में भइल आत्मघाती बम विस्फोट में पड़के 6 जने के मृत्यु, 13 जने घायल। आ प्रधानमंत्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में एपीएफ विजयी प्रदेश 1-7 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।